तो देख लो कितना खूबसूरत व्यू है और कितने अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया गया, पूरे झाड़ वगैरह सब पे लाइट लगाया गया है। तो कि बेबी गार्डन क्यों नाम रखा गया, और गार्डन है या भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा एक ही गली नहीं, कम से कम 4-5 गली जो है इसको जो है सजाया गया है। अलमदीना मस्जिद है, अलमदीना मस्जिद, और देख लो कितने खूबसूरत तरीके से जो है अलमदीना मस्जिद को जो है पूरी मस्जिद को सजाया गया है। ये भी गली जो है पूरा सजा हुआ है, और ये गली जो है आपको मस्जिद का सामने का जो गेट है वो गली है, ये जो मस्जिद है। और काफी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से जो है मस्जिद को सजाया गया है। पूरे में लाइटिंग वगैरह लगाया गया, लाइटिंग के द्वारा जो है इसको सजाया गया हरी मस्जिद को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साई दस के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस मैं आज हूँ मुंबई सेंटर में, और मुंबई सेंटर नायर हॉस्पिटल के पास हूँ, और आज दिखाने वाला हूँ जो 12 रबी अव्वल है उसका जो गली का जो सजावट है और कितनी महंगी सजावट किया गया है। तो मैं उस चीज़ को आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो देखेंगे, और देखने के बाद मालूम पड़ जाए इतना जो खर्चा जो है आदमी शादी ब्याह में नहीं करता है। जितना खर्च किया गया सिर्फ गली को सजाने के लिए लाइट से, इतना खर्च किया गया करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए का, तकरीबन मेरे हिसाब से उससे ऊपर भी हो सकता है कि खर्च किया गया हो। तो आओ चलो ब्लॉग में बने रहो, और मैं आपको दिखाता हूँ कि गली का सजावट कितना हैवी किया गया, ठीक है। चलो ब्लॉग शुरू करते हैं गाइस। ये हो गया मेन हाईवे, और ये सामने जो दिख रहा है ये आपको नायर हॉस्पिटल है, और ये देखो यार आपको जो पूरा लाइटिंग दिख रहा है ये जो है अग्रीपारा पुलिस चौकी के तरफ चला गया, ये जो ये रोड है 7 रास्ता चला गया है। और ये देखो ये बेबी गार्डन है, और इस तरफ देख लो गली का सजावट, देखो गाइस तो आप गली का सजावट देखोगे तो आपका होश उड़ जाएगा। देख लो कितना सारा डेकोरेशन किया गया, और काफ़ी खूबसूरत जो है गली को जो है सजाया गया है कि आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, और दोनों तरफ से। और ये इतना ही नहीं है, अभी काफ़ी दूर तक है, तो आप ब्लॉग में बने रहोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ कितना दूर तक गली ये पूरा सजा हुआ। और रात का जो है 8:04 हो चुका है, और देखिए कितना आपको लाइटिंग और कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है। कोई भी जो है शादी ब्याह में इतना सजावट नहीं करता है, और ये 12 रबी अव्वल जो है उसकी खुशी में और उसके निस्बत में जो है इसको सजाया गया है, ठीक है। तो देख लो कितना खूबसूरत व्यू और कितने अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया गया, पूरे झाड़ वगैरह सब पे लाइट लगाया गया है। तो यह है बेबी गार्डन मुंबई सेंटर का। तो चलिए मैं बेबी गार्डन के अपोजिट में चलता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि बेबी गार्डन क्यों नाम रखा गया, और गार्डन है या भी नहीं है, ठीक है। तो ये देख लो आप लोग डेकोरेशन देखो कितना हैवी और कितना हार्ड लोकेशन देखने को मिल रहा है, लुक देखना कितना खूबसूरत भी है। आप लोग ऐसा सोच रहे हो वीडियो में कि ये शादी ब्याह का सजावट है, तो नहीं भाई, आप लोग गलत फहमी में जी रहे हो। ये है 12 रबी अव्वल, 12 वफात, ठीक है, ईद मिलादुल नबी के खुशी में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी दिन पैदाइश हुई थी और उसी दिन वफात हुआ था। तो ये देखो गाइस, ये हो गया चौराहा, और ये देख लो ये जो जाएगा आपको बेबी गार्डन का ये पूरा रास्ता है, और ये देख लो ये भी पूरी गली सजी हुई है। ये देखो कितना लंबा तक ये गली सजा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, रात का समय है, थोड़ा जूमिंग में ये हो रहा है, और देख लीजिए गाइस काफ़ी लंबा ये सजा हुआ है। और इस साइड भी देख लो, और इस साइड भी देखो, यहाँ भी देखो ये पूरी गली ये भी सजी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो 18 तारीख को भी यहाँ जो जुलूस निकलेगा तो इंशाल्लाह मैं उसका भी डालूंगा। ऐसे तो 17 तारीख का ही था, मगर पिछले साल भी जो है गणपति और 12 रबी अव्वल ईद मिलादुल नबी साथ में ही पड़ा था, और ये साल भी जो है गणपति और ईद मिलादुल नबी जो है दोनों साथ में ही आया है। और तो उसके लिए जो है पिछले साल भी एक दिन का आगे पीछे हो गया था, और आज भी इस दफ़ा भी जो है 17 तारीख को होना था, मगर 18 तारीख को 12 रबी अव्वल मनाया जाएगा, और गणपति जो है वो 17 तारीख को मनाया जाएगा। तो इसके लिए एक दिन का आगे पीछे किया गया। और ये गली को देख लो, ये बेबी गार्डन की गली है, इसको जो खूब खूबसूरत तरीके से जो है सजाया गया है, और देख लो माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है, और अच्छे तरीके से जो है इसको जो है सजाया गया है। ऐसा एक ही गली नहीं, कम 4-5 गली जो है इसको जो है सजाया गया है, ठीक है। कि शहर में इस तरीके से गलियों को घरों को सजाया जाता है या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या, आप कौन से शहर से देख रहे हैं, और वो शहर में इस तरीके से खर्च किया जाता है या नहीं, इस तरीके से लाइटिंग लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके हमें
जरूर बताइएगा। ठीक है गाइस, सेंटर का अगली पारा पुलिस चौकी के इसमें ही आता है, अंडरग्राउंड में ही आता है, बेबी गार्डन। तो ये बेबी गार्डन को पूरा जो है अच्छे तरीके से सजाया गया, काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और 12 रबी अव्वल के निस्बत में सजाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है आपको, और काफ़ी हार्ड लाइटिंग के साथ और अच्छे तरीके से रंग बिरंगी लाइटिंग लाइट लगाया गया है। जो देख रहे हो आप, ये अल मदीना मस्जिद है और ये मस्जिद वाली गली है, और ये गली को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, और ये देख रहे हो बिल्डिंग को भी सजाया गया, रोड को भी इस तरीके से, पूरी गली को अच्छे से तरीके से सजाया गया है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अल मदीना मस्जिद, ठीक है, ये है अल मदीना मस्जिद। और देख लो कितने खूबसूरत तरीके से जो है अल मदीना मस्जिद को जो है पूरी मस्जिद को सजाया गया है लाइट के द्वारा, और काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है गाइस। तो ये देख लो, ये अल मदीना मस्जिद है, बेबी गार्डन के पास है, और देख लो कितने अच्छे तरीके से और कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, और हर एक तरीके का रंग बिरंगी लाइट जो है इसमें लगाया गया है, देख सकते हो। और ये पूरी गली जो है, ये सारी गली सजी हुई है, और ये काफ़ी लंबी गली है, और इस गली को जो है अच्छे तरीके से सजाने का काम किया है। खुश नसीब हो कि आप अपने शहर में रह कर के मुंबई की अल मदीना मस्जिद को आप लोग देख पा रहे हो। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत व्यू है और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, ठीक है, वाली गली है, अल मदीना मस्जिद की गली है। और ये जो जाओगे आप, ये फैंसी मार्केट झूला मैदान, ये रास्ते से जा सकते हो, फैंसी मार्केट और झूला मैदान इस रास्ते से आप आसानी से जा सकते हो। और ये भी रास्ता देख लो पूरा सजा हुआ, और ये देख लो ये मेन रोड पे निकला हुआ, मेन हाईवे पे, और देख लो। तो ये है गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये भी गली जो है पूरा सजा हुआ है, और ये गली जो है आपको मस्जिद का सामने का जो गेट है वो गली है, ये जो है मदनपुरा वहीं पड़ता है। ये सारी गली जो है पूरा अच्छे तरीके से सजाया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ये भी गली को जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको भी जो है अच्छे तरीके से सजाया गया। दिखाते हैं आप जो सामने देख पा रहे हो, पूरा हरी मस्जिद है, जो देख रहे हो तो दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो गाइस, ये हरी मस्जिद है, और काफ़ी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से जो है मस्जिद को सजाया गया है। जैसा कि देख रहे हो पूरे में लाइटिंग वगैरह लगाया गया, लाइटिंग के द्वारा जो है इसको सजाया गया हरी मस्जिद को, और काफ़ी घनी आबादी है इसके लिए। देख सकते हो पूरा सारे में जो है मार्केट लगा हुआ, फल कपड़ा वगैरह आपको मिल जाएगा। और ये है आपको हरी मस्जिद जो आप देख पा रहे हो, तो ये हरी मस्जिद की देखो लाइटिंग कितना हार्ड लग रहा है, और ये है मेन गेट, और यहाँ पे देखो झंडा वगैरह जो है आपको मिलेगा। तो ये देख लो गाइस, हरी मस्जिद का मेन गेट देखो, और इस तरीके से जो है खूबसूरत व्यू दिख रहा है। तो ये है मदनपुरे का हरी मस्जिद, सबसे हरी मस्जिद है, और यहाँ पे जो है झंडा वगैरह आपको दिखेगा और मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो कितना हार्ड व्यू दिख रहा है। आपने देखा वीडियो, आपको देखकर कैसा लगा? पूरी गली सजा हुआ था, और सजा हुआ वीडियो आपको दिखाया कि ईद मिलादुल नबी के मौके पे इस गली को सजाया गया है। तो वीडियो आपको जैसा भी लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल।